1619 अव्यक्त मुरली का एक महावाक्य है, अपना स्वमान, अपनी सर्विस और अपनी श्रेष्ठता अपने से ही गुप्त है। अपने से ही गुप्त होने के कारण सृष्टि से भी गुप्त है। जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी तब सृष्टि में भी प्रत्यक्षता होगी। इस महावाक्य के आधार से ये 1969 अव्यक्त मुरली में जो चली लगभग सारे अव्यक्त मुरलियों को तीन विषयों के आधार पर बांटा गया है। पहला है अपना स्वमान, दूसरा है अपनी सर्विस, तीसरा है अपनी श्रेष्ठताएं। लास्ट बफर डे में हम अपना स्वमान के बारे में हम डिस्कस किए थे कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, और दूसरा स्वमान है मैं सौभाग्यशाली हूँ, सदा सुहागिन हूँ, और स्नेह रूप और शक्ति रूप में समानता लाने की विधि, महीन बुद्धि, वो सभी टॉपिक्स हम डिस्कस किए थे। और दूसरा टॉपिक है अपनी सर्विस, माना बिंदु रूप कहो, अव्यक्त स्थिति, न्यारी अवस्था, जो ड्रिल्स बाबा ने बताते हैं ना, वो सभी है अपनी सर्विस, माने अपने आप का सर्विस करने के लिए बाबा ने ये विधियां बताई है। जिससे हमारे में वो निश्चय बुद्धि बढ़ती है और समर्पणता भाव भी आती है। अभी हम समर्पणता के बारे में हम आज हम डिस्कस करेंगे। दीप्ति सिस्टर स्क्रीन शेयर कीजिए। जितना हम आत्मा में सदा सुहागिन हो इस स्मृति स्वरूप में स्थित होते जाएंगे ना, उतना हम अपने आप को बाबा से समर्पण कर सकते हैं, बाबा के आगे ना संपूर्ण सरेंडर उनके आगे हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है एक सुहागिन है ना, जो लौकिक में एक पति के लिए इतना वो सरेंडर हो जाते हैं, है ना, वो शादी होने के बाद सर्वस्व वो त्याग करती है पति के लिए, है ना। अभी कौन आया है हमारे सामने, पति परमेश्वर है। उनके सामने हम भी संपूर्ण सरेंडर होना है। अभी हम संपूर्ण समर्पणता का परिभाषा के बारे में हम जानेंगे। ये है 25/1/1969। समर्पण की ऊंची स्टेज श्वासोश्वास स्मृति। समर्पण अर्थात जो श्वासोश्वास स्मृति में रहे, एक भी श्वास विस्मृति का ना हो। देखिए, एक भी श्वास विस्मृति का ना हो। सर्व समर्पण जीवन अर्थात देह गबान, देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए। जो सर्वस्व त्यागी सर्व समर्पण जीवन वाला होगा उनका ही संपूर्ण अवस्था गाई जाती है। संपूर्ण समर्पण अर्थात तन मन धन और संबंध समय सब में अर्पण। मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे। इस स्थिति को कहा जाता है संपूर्ण समर्पण। देखिए अंडरलाइन की बात है, मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे। इस स्थिति को कहा जाता है संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण की निशानियां है, जो श्वासोश्वास स्मृति में रहते हैं वो है सहनशीलता का गुण जरूर होगा, और सहनशीलता होने के कारण चेहरा हर्षित मुख और शक्तिशाली दिखाई देगा। उनके मुख में कभी भी ऐसे नहीं निकलेगा कैसे करे क्या होगा, या निर्बलता के शब्द नहीं निकलेगा। जो संपूर्ण समर्पण होंगे ना, वो उनके मुख में ऐसा निर्बलता का शब्द नहीं निकलेगा। मन मनाभाव का अर्थ है मन बिल्कुल जैसे ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड जिस रीति से जैसा चलता है उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, चाहे संकल्प से
चाहे वाणी से जरा भी हिले नहीं, ऐसी अवस्था हो। सो ऐसी अवस्था हमारे होनी चाहिए। एक भी संकल्प पटरी, ड्रामा के पटरी से नीचे नहीं आए, ड्रामा की पटरी पर चलता रहे, परंतु कभी कभी रुक जाते हैं, कभी मुख कभी मन की स्थिति हिलती है, यह भी जैसे एक दाग हो जाता है। ड्रामा की ढाल को प्रैक्टिकल में लाना है, यह है मन का समर्पणता। सो और 3/10/1960 में भी बाबा ने मन का समर्पणता के बारे में बाबा ने कहा है कि मन को समर्पण करना अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना। अगर मन संपूर्ण समर्पण है तो तन मन धन समय संबंध शीघ्र ही उस तरफ लग जाते हैं। इसलिए मन को बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट लाइन है, मन को बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते। संपूर्ण समर्पण वालों का मन में सिवाय बाप दादा के गुण, कर्तव्य और संबंध के कुछ और सूझता ही नहीं। तो ये है संपूर्ण समर्पण। पुराना संस्कार होने के कारण कभी कभी श्रीमत के साथ मन मत, देह अभिमान पन की मत, शूद्रपन की मत कहीं कहीं यूज कर लेते हो। इसलिए ही कर्मातीत अवस्था या अव्यक्त स्थिति सदा एकरस नहीं रहती है ना, क्योंकि मिक्सचरिटी हो जाती है ना। सो मन भिन्न भिन्न रस में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। सो एक ही रस में रहे तो एक ही स्थिति रहे। सो इसके लिए बाबा ने एक वायदा कहा है, जो सोचेंगे जो बोलेंगे जो सुनेंगे जो करेंगे, सो श्रीमत के बिना कुछ नहीं करेंगे। जब बाबा से ये वायदा करेंगे ना, तब हमारा मन को समर्पण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बाबा ने समर्पणता मेरा शब्द का भी त्याग, ये है 1869 का मुरली से लिया गया है। सो हर एक को विशेष मोह का विघ्न मेरा शब्द से होता है। सो इसलिए बाप दादा से दो वायदा करना है, मैं भी तेरा मेरा सब कुछ भी तेरा, जो कहेंगे जो खिलाएंगे जहां बिठाएंगे वो करेंगे। सरेंडर अर्थात मेरा कुछ रहा ही नहीं, सरेंडर हुआ तो तन मन धन सब कुछ अर्पण। सो ये है सरेंडर का पूरा अर्थ। ओके, सरेंडर अर्थात तन मन धन सब कुछ अर्पण। तन अर्पण अर्थात कोई विकर्म नहीं कर सकते। मन अर्पण कर दिया तो मन में अपने अनुसार संकल्प उठा नहीं सकता, केवल श्रीमद के अनुसार ही संकल्प उठाना है। धन अर्पण अर्थात विकल्प अर्थात व्यर्थ कार्यों में धन नहीं लगा सकते। सो जबकि तन मन धन दे दिया तो जिनको दिया उनको श्रीमत पर ही चलाना है। मन दे दिया तो उसकी अवस्था मन मनाभव ही रहना है। सो ये है समर्पणता का परिभाषा। सो आगे हम सहन शक्ति के बारे में हम जाएंगे। सो बाबा ने कहा ना, जो श्वासोश्वास स्मृति में रहते हैं उनकी निशानी है सहन शक्ति। अभी समय के अभाव से हम नेक्स्ट बफर डे में इस टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओके, सहन शक्ति। सो सहन शक्ति बढ़ाने की विधि क्या है? सो जितना जिसके प्रति स्नेह होता है तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है। स्नेह में सहन शक्ति आती है। जैसे कोई बच्चे पर आपदा आती है, माँ का स्नेह है तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है, बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। सो ये ना सबको पता है ना, कैसे माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उतना प्यार है बच्चे के ऊपर, उस स्नेह है। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का वह परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता है। तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह रहे तो उस स्नेही के प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है।
सो इसलिए हम बाबा से निरंतर स्नेह रखना है, तब हम कुछ भी सहन कर सकते हैं। संगठन में रहने के लिए सहन शक्ति चाहिए, और फाइनल पेपर जो विनाश का है उसमें पास होने के लिए भी हमें सहन शक्ति चाहिए, इसलिए उस शक्ति को हमें बढ़ाना है। सो आगे नेक्स्ट मुरली है 17469 से, सरलता से सहनशीलता, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के बांध का भी त्याग, इस त्याग से मुख्य गुण सरलता और सहनशीलता आता है। सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण आ जाते हैं, दूसरों के अवगुण को ना देखना यह भी त्याग है। सो सर्वस्व त्याग की निशानी सरलता और सहनशीलता, जिसमें सरलता सहनशीलता होगी और दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे और एक दो के स्नेही बन सकेंगे। सो जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव, जिसमें सरलता सहनशीलता होगी वह दूसरों को भी आकर्षित जरूर करेंगे और एक दो के स्नेही बन सकेंगे। सो सरल स्वभाव प्राप्त करने की विधि क्या है? सो सरलता लाने के लिए यह बात हमें जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि स्तुति और निंदा वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति हुई, अर्थात जो कर्म करते हैं उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है, कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हो, स्तुति नहीं मिलती है तो स्थिति भी नहीं रहती, स्तुति होती है तो स्थिति भी रहती है ना। आप सबको पता है जब जो किसी ने स्तुति करे तो हमारा स्थिति अच्छा रहता है ना। सो स्तुति होती है तो स्थिति भी रहती है, अगर निंदा होती है तो निधन के बन जाते, अपनी स्टेज को छोड़ देते हैं और धनी को भी भूल जाते, बाबा को भी हम भूल जाते हैं। तो यह कभी नहीं सोचना कि हमारा स्तुति हो, स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग होते रहेंगे। सो देखिए, सो बाबा कह रहे हमें सरल स्वभाव से स्तुति और निंदा दोनों का बैलेंस रख सकते, ऐसे नहीं कि स्तुति आने से हम ऊपर चढ़ जाएंगे, निंदा करने से निधन के बन जाएंगे, है ना। दूसरे भले कितना भी महिमा करे लेकिन उनकी महिमा के प्रभाव में खुद प्रभावित नहीं होना है, यहाँ ही फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल को खत्म कर लेंगे। सो जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद बन जाता है, इसलिए स्तुति और निंदा एक समान हो तब, है ना, हम इजीली हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, सरल स्वभाव, है ना। सो सरल स्वभाव से सहनशीलता भी बढ़ती है। सो आगे हम निर्भयता के ऊपर हम थोड़ा पढ़ेंगे, बाद में हम 5 मिनट डिस्कस करेंगे निर्भयता। सो देखिए, उस स्वमान का अभ्यास से हम बाबा को संपूर्ण सरेंडर भी कर सकेंगे और निश्चय बुद्धि भी बढ़ेगा बाबा के ऊपर, है ना, 100% निश्चय बुद्धि। हम बाद में वो सहनशीलता और निर्भयता आती जाएगी। सो यही है गुण, निर्भयता का गुण आती है। सो निर्भय बनने की विधि क्या है? निर्भयता कैसे आएगी? उसके लिए मुख्य पुरुषार्थ निराकारी बनना। सो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, निर्भयता के लिए हमें निराकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान में आने से होता है, इंपॉर्टेंट लाइन है। भय कब होता है? शरीर के भान से आने से भय होता है ना। सो जितना हम निराकारी अवस्था का अभ्यास करेंगे उतना हम निर्भय बनते जाएंगे। सो मदद लेने का साधन है हिम्मत। सो हिम्मत अर्थात हर समय हर कदम हर संकल्प में बलिहार होना, हिम्मत से मदद जरूर मिलेगी। ओके, सो बाप दादे से हम कैसे मदद प्राप्त कर सकते हैं? सो ये है 28.11.69 में बाबा ने एक युक्ति बताया है। सो बाप दादा तो किस न किस रूप से साथ निभाने अर्थात
बच्चों का अंगुली पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, इतने तक जो बिल्कुल सांस निकलने तक। सांस निकलने वाला भी होता है तो भी जान भरते हैं, लेकिन कोई ऑक्सीजन लगाने ही ना दे, नली को ही निकाल दे तो क्या करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, आईसीयू में जब पेशेंट एडमिट होते हैं ना, उनको ऑक्सीजन लगाने की कोशिश करते हैं, है ना। इसलिए बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जो ऑक्सीजन लगाने का पाइप है ना, वही है ना आधार उनको जीवित रखने के लिए। वो ऑक्सीजन ही, वो पाइप ही निकाल दे तो क्या कर सकते हैं डॉक्टर्स। ऐसे ही अगर बाप दादा का सहयोग चाहते हैं तो वास्तव में सहयोग कोई मांगने की चीज नहीं है, सहयोग स्नेही को स्वतः ही प्राप्त होता है। इम्पोर्टेंट है, सहयोग जो स्नेही है उनको स्वतः ही प्राप्त होता है। ऐसे नहीं कि मांगना है, बाबा मुझे शक्ति दो, बाबा मुझे मदद दो, ऐसा। आप बाप दादा का स्नेही बनो तो सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा, मांगने की आवश्यकता नहीं है। आधा कल्प मांगते रहे भक्ति रूप, भक्त रूप में, अभी बच्चा बनकर भी मांगते रहे तो बाकी फर्क क्या रहा भक्त और बच्चों में। लेकिन कारण क्या है कि अज्ञानी होकर सहयोग मांगते हो, अधिकारी समझो तो फिर मांगने की आवश्यकता ही नहीं। सो बाबा कह रहे हम बच्चे अधिकारी बच्चे है ना, बाबा है ना हमारा, बाबा के वर्षे के ऊपर हमारा अधिकार है। जब हम अधिकार उस स्मृति को हम इमर्ज करेंगे ना, सो मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके, अभी हम 5 मिनट इस टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, बाद में बाबा के याद में बैठेंगे। सो आप सभी से निवेदन है, समर्पणता या निश्चय बुद्धि या निर्भयता, किसी टॉपिक्स के ऊपर आप आपका चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जी आवाज ठीक से है? हाँ जी सिस्टर बोलिए। अभी निर्भयता के बारे में हमने डिस्कस किया है ना, जितना जितना हम निराकारी ज्योतिबिंदु स्थिति में जब जब स्थित होते हैं, जब शरीर का जब ध्यान भान ही नहीं रहता, तभी हमारे में निर्भयता आती है। शरीर में होते हैं तो भय रहता है किसी बात का, और जब हम निराकारी अवस्था में होते हैं तो भय नहीं रहता। और जैसे हम निराकारी बनते हैं ना, तो वैसे वैसे हम निर्विकारी और निरहंकारी आप ही हमें आ जाते हैं। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा। सो निराकारी बनने से निरहंकारी और निर्विकारी अपने आप बन जाते हैं। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए शीतलता सिस्टर। ओम शांति दीदी। अभी जैसे बहन ने बोला ना कि निराकारी स्थिति जो है बनने से निर्भयता खत्म हो जाती है, तो उसको अगर हम अच्छी तरह अपने मन में धारण करेंगे, पहले तो हमें ये सोचना है कि मैं भय लगता क्यों है। भय लगता है जो चीज नष्ट होने वाली है, खत्म होने वाली है, खोने वाली है। तो ये शरीर और आत्मा दो चीज है, जो खोने वाली चीज है वो नश्वर है, लेकिन हम सभी क्या समझते हैं कि जो खोने वाली चीज है वो मैं हूँ, लेकिन एक्चुअली में मैं तो अविनाशी हूँ, तो मैं आत्मा हूँ। जब ये बार बार हम अभ्यास करते हैं कि मैं तो अचर अमर अविनाशी, कभी नष्ट नहीं होने वाली हूँ, ये शरीर तो मैंने कई बार बदला है, 24/84 हमने जन्म जो लिए हैं उसमें बार बार हम शरीर को बदलते आए हैं, या संबंधी हैं वो भी बदले, घर भी बदला। तो बार बार अपने मन को जब इस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे ना, तो धीमे धीमे वो अपने आप निर्भयता के गुण में आ जाएगा। तो उसको अपने मन को भी बच्चे की तरह समझाना होगा कि हम क्यों अपने को अशरीरी बनने की या निर्भयता की शक्ति को धारण करने के लिए क्यों बार बार ये बाबा बोलते हैं ना, बच्चे थोड़ी देर के लिए अशरीरी बनो, भले 1 मिनट के लिए, पूरे दिन में जब भी समय मिले 1 घंटे में। इसीलिए कहते हैं कि ये जो निर्भयता का गुण है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल ये जितनी भी परेशानियां जो हो रही है देह को लेकर ही हो रही है, ये पूरा ज्ञान ही इसी पे बेस्ड है। तो इसलिए हमको बार बार ही अपने मन को समझाना है कि मैं तो हूँ चैतन्य शक्ति, हूँ अजर अमर अविनाशी।
जिसे 84 जन्म चेंज किए, 84 शरीर बदले, घर बदला, संबंध बदला, ऑप्शन थे। हाँ जी, बहुत अच्छा। और जितना हमें बाप के ऊपर निश्चय रहता है ना, उतना हम निर्भय रहते हैं। ये कौन मिला है ना, सर्वशक्तिवान है वो। और जब साथ रहेगा तो किसी का भय भी नहीं रहेगा। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? और ओम शांति सिस्टर, हाँ जी बोलिए। एक बोलिए सिस्टर, मेघा सिस्टर। ओम शांति सिस्टर, हमने जो अभी एक पॉइंट्स लिया था ना कि स्नेही और स्नेही को आप ही सहयोग मिलता है, उसको मांगना नहीं पड़ता। तो उसका मैं खुद एग्जाम्पल हूँ उसका, कि जैसे जैसे हमें परमात्मा का प्यार, परमात्मा का स्नेह मिलता जाता है, तो किसी बात में ऐसे मांगना नहीं पड़ता, और हमारे जो विघ्न है और जो हमें चाहिए वो आप ही मिल जाता है। थोड़े मैं बंधन में आत्मा हूँ, तो अभी दो तीन हमारे बाप दादा मिलन हो गए। जैसे जैसे मैं परमात्मा को बोलती हूँ कि बाबा मैं आप समान बनना है, मैं आपके साथ सार जैसे बनूंगी, आपके गुण आपकी शक्तियां मुझे ग्रहण करनी है, और मैं आपका सपूत बच्चा हूँ और मुझे आपके जैसे बनना है। जैसे मैं हर और जो अमृत वाले संकल्प करती हूँ ना, बाबा से बोलती हूँ, तो अब हर बाप दादा मिलन पे घर में मैं करती हूँ ना, पूरी साफ सफाई करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। और जब बाप दादा मिलन का टाइम होता है 5 से 8 तक, कोई भी विघ्न नहीं आता, कोई भी घर में नहीं आता, मुझे इतना अच्छा सहयोग मिलता है और सब अच्छा हो जाता है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी हम 9 बजे तक करेंगे। बाद में नेक्स्ट जब बफर डे में दूसरा पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है अपनी कमियों को निकाल सच्चा जेवर बनने की विधि। सो कैसे उसमें सच्चाई सफाई से हम बाबा को अपना जन्म पत्र लिखना है, अपना बायोग्राफी है ना। सो बायोग्राफी लिखते बाबा को सब सौंपना है, सच्चाई सफाई से हमारा मन बुद्धि की क्लीन कैसे करना है। सो एक एक्टिविटी के जरिए हम करेंगे नेक्स्ट बफर डे। अभी बिकॉज समय के अभाव से हम थोड़ा जल्दी ही ये टॉपिक हम फिनिश करेंगे। हाँ ओम शांति सिस्टर, बस जी एक ही लाइन बोलती हूँ। एक बहुत अच्छा पॉइंट आया था कि दूसरों के अवगुणों को ना देखना भी एक बहुत बड़ा त्याग है। हम ऐसे बहुत सारे बड़ी बड़ी चीजों का त्याग करते हैं, मगर ये सूक्ष्म बात बाबा ने कही कि अगर आप किसी के अवगुण नहीं देखते तो ये बहुत बड़ी बात है, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा त्याग है। ओम शांति सिस्टर। हाँ जी, सो ये अपने लिए करना है ना, दूसरों का वो गुण ना देखना। हाँ जी, ओके। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा सौभाग्यशाली हूं, सदा सुहागिन हूं। सदा के लिए वो परमात्मा पतियों का पति, पति परमेश्वर से पूरी लगन है। मैं सदा सुहागिन हूं, उसी परमात्मा के लगन में मैं आत्मा मगन हो गई। वही है मेरा पति परमेश्वर, मेरा सुहाग है वो, मेरा मांग भरा है। उस पतियों का पति, पति परमेश्वर से पूरी
कभी भी जुदाई भी नहीं, विदाई भी नहीं। वो मुझे अंत तक साथ देंगे। बाप, सदगुरु, टीचर बन के मुझे पालना दे रहे हैं। उस पति परमेश्वर परमात्मा के ऊपर मैं फिदा हो गई हूँ। श्वासों श्वास समर्पित हो गई हूँ। मेरा एक भी श्वास विस्मृति का नहीं, तन मन धन संबंध समय सब में संपूर्ण अर्पण हो चुकी हूँ। वो सर्वशक्तिवान, कालों का काल महाकाल, पति परमेश्वर के सिवाय मेरे मन में और किसी के लिए भी स्थान नहीं है। मेरा मन सिवाय उनके श्रीमद के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे तन मन धन से उस पति परमेश्वर परमात्मा के सामने मैं संपूर्ण समर्पण हो गई हूँ। मेरा मन में सिवाय बाप दादा के गुण, कर्तव्य, संबंध के कुछ और सोचता ही नहीं। उस एक के साथ संबंध निभाते हुए उसी एक रस स्थिति में मैं खो गई। ओम शांति। शांति, अश्विनी सिस्टर, आप हो क्या? शायद वो जुड़ेंगे अभी। हाँ, तब तक हम इसी शक्ति स्वरूप का पीडीएफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
सो बाबा ने इस बुक में संपूर्ण समर्पण के बारे में बाबा ने कहा। और कौन सा विधि है जिससे हम बाबा को संपूर्ण समर्पण हो सकते हैं? कोई शेयर करना चाहते हैं? तो संपूर्ण समर्पण है ना। आप कौन सा विधि अपना रहे हो बाबा को सरेंडर होने के लिए बाबा से? कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ बोलिए मेघा सिस्टर। हाँ ओम शांति सिस्टर, जी संपूर्ण समर्पण के लिए खुद अभी प्रोसेस चल रही है कि ट्रस्टी बनना हर एक बात में। बाबा का सब कुछ है, मैं अभी प्रवृत्ति मार्ग में ही हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरा घर सेवा स्थान है और जो मैं हर एक कार्य करती हूँ वो परमात्मा की सेवा है, और जो घर में आत्मा है वो अलौकिक सेवाधारी है। इसी नजर से हर एक आत्मा को देखती हूँ, और जो भी आत्मा घर में आती है मुझे परमात्मा ने उसके सेवा के लिए नियुक्त किया है। इसी भाव में मैं रहती हूँ और हर कार्य करती हूँ कि परमात्मा के भंडारे से ही परमात्मा का ही सब कुछ लेकर मैं परमात्मा के लिए भोग भोग बना रही हूँ। इसी बात से मैं खाना बनाती हूँ। ओम शांति सिस्टर। हाँ जी बहुत अच्छा। बोलिए भारती सिस्टर। जी, परमात्मा से समर्पित होना यानी परमात्मा के साथ एकरस स्थिति में रहना, आत्मिक भाव में रहना, उनसे जो भी हम करते हैं उनको सब पूरा, उनको डिटेल यानी अपना चार्ट होना, उनको सुबह से लेकर रात तक जो भी होता है वो पूरा चार्ट उनको देना, यानी उनको पूर्ण सर्व अपना जीवन है वो समर्पित या उनको सामने रखना, अपना जो भी दिन भर का चार्ट रहता है वो उनको रात को सब बताना, यानी समर्पित भाव से उनसे बातें करना, चलना फिरना उनके साथ, उनको सदा कंबाइंड स्वरूप में कंबाइंड स्वरूप में रखना, सदा साथी बनकर चलना उनके साथ, तो यही समर्पित भाव है। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा। बोलिए क्षेत्रता सिस्टर। ओम शांति दीदी, अभी जो आपने बुक पढ़ी थी ना, तो बाबा ने बोला था जब स्नेह बहुत ज्यादा होता है ना किसी से भी, तो समर्पण भाव आ ही जाता है। तो जहाँ मैं मुरली जाती हूँ वहाँ एक बहन ने मुझे बताया कि उसके अंदर बहुत चेंजेस मुझे दिखाई थी। उसने कहा मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि बाप दादा मेरे पास में मेरा सब काम कर रहे हैं। तो मैं भी कभी कभी ऐसा महसूस करती हूँ, जैसे तैयार होती बाल बनाती हूँ तो जैसे बाबा बाप दादा मेरे सामने खड़े होकर मेरे बाल बना रहे हैं, या कहीं जाना है थोड़ी देर के लिए ऐसा महसूस करना है कि अपने पास जैसे जो भी काम मैं कर रही हूँ, मैं रोटी भी बना रही हूँ तो मैं नहीं बना रही हूँ, बाप दादा मेरा हाथ पकड़ के बना रहे हैं, कि छोटे से खाना भी खा रही हूँ तो ऐसा महसूस करना है कि बाप दादा आके मुझे अपने हाथों से खिला रहे हैं। तो बार बार अगर हम ऐसा महसूस करेंगे ना छोटे छोटे चीजों पर, तो हमको अभ्यास होता जाता है और इससे क्या होता है, हमें स्नेह बढ़ता है, क्योंकि हम लोग की आदत पड़ी हुई ना देहधारियों के साथ। जैसे बिल्ली रूप में अगर हम होते हैं ना, तो उसमें एकाग्र होने के लिए हमें बैठना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, लेकिन अगर जैसे बाप दादा को हम समझे शरीरधारी के रूप में कि वो मेरे साथ है, मेरे साथ सब्जी काट रहे हैं, छोटे छोटे काम में, तो क्या उनसे स्नेह भी बढ़ता है और धीरे धीरे समर्पण भाव स्वतः ही आ जाता है, क्योंकि स्नेह बहुत बढ़ जाता है। तो ये भी हम दृष्टि अपना सकते हैं। हाँ जी बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? संपूर्ण समर्पण, इसके बारे में आपका चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो संपूर्ण समर्पण के लिए मैं तो बाबा पे पूरा निश्चय है, कोई भी परिस्थिति आती है कुछ भी आता है तो बाबा पे पूरा निश्चय है कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है, और बाबा जो भी मेरे लिए जिस टाइम पे जो चीज करेंगे वो बिल्कुल सही होगा। ओम शांति। हाँ जी
और कोई शेयर करेंगे? ओम शांति सिस्टर। एक सोमान हम मनसा सेवा से हम उसका अध्ययन करते हैं, मैं स्टडी करते हैं उस सोमान की। उसका सोमान का नाम ही है संपूर्ण समर्पण। उसमें है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनकर बाप दादा के साथ साथ दिव्य अलौकिक धर्मायु युग स्थापना के निमित्त संपूर्ण समर्पण पद्मा परम भाग्यशाली आत्मा है। मिस जोश नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की स्मृति रखकर बाप दादा के साथ साथ दिव्य अलौकिक कार्य में उनके साथ रहते हैं, वही संपूर्ण समर्पण है इस सम्मान के आधार से। ओम शांति। मेगा सिस्टर आप वो सम्मान लिख लेना चैट बॉक्स में, कॉपी कर लेते हैं जिसको चाहिए वो। जी जी ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? तो मन से समर्पण है ना, बाबा ने कहा ना, तन से समर्पण, मन से समर्पण, धन से समर्पण होना ना। सो मन से समर्पण होने के लिए आप क्या कर रहे हो, कौन सा विधि अपनाते हो? आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो भी शेयर कर सकते हैं। बाबा ने कहा ना, मन से समर्पण माना श्रीमद के बिना एक भी संकल्प नहीं उठना। सो इफ एट ऑल वो श्रीमद के बिना कुछ संकल्प उठे तो आप क्या करोगे? कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। मुझे अगर ऐसा संकल्प आता है ना, मुझे जरा भी क्लिक हो, मैं तुरंत सब काम छोड़ के बाबा से बोलती हूँ, बाबा मुझे ये संकल्प आया, प्लीज क्षमा करो, ये आपकी श्रीमत के विरुद्ध है, और मुझे क्षमा कीजिए, शक्ति दीजिए, दोबारा ये संकल्प लाने। कुछ जिस क्षण मुझे ऐसा महसूस होता है, क्या कभी कभी तो महसूस ही नहीं होता है, किसी काम में बिजी रहते हैं तो बाद में याद आता है, लेकिन जैसे ही मुझे याद आता है मैं कोशिश करती हूँ तुरंत बाबा को बोल दूँ और क्षमा मांगती हूँ। हाँ जी, सो तुरंत बाबा से क्षमा मांग के, और वो उसका ऐसा थॉट रिपीटेशन भी नहीं करना है, ऐसा बाबा से वायदा भी करना है। उसका डीप रियलाइजेशन भी हमें करना है, तभी हम बार बार वही थॉट पैटर्न में नहीं आते हैं, नहीं तो बार बार वही का वही करते रहते हैं, वही वही मिस्टेक्स, वही वही थॉट्स। आज की मुरली में ही बाबा ने ये बोला है ना। हाँ जी, हाँ अश्विनी दीदी आप हो क्या? ओके, शायद वो नहीं जुड़े हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओम शांति दीदी। हाँ जी, जो आप मनसा की बात कर रहे हैं ना, तो कभी मन जब भी कुछ डिस्टर्ब हो रहा है या कुछ व्यर्थ तरफ जा रहा है, तो फिर हम उसको इस तरह समझाते हैं, जैसे कई बार हम एग्जाम्पल सुनते हैं ना, कि किसी बच्चे के हाथ में अगर चाकू है तो उसको लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो फिर हम उसको बताते हैं दूसरों को भी स्टोरी की, हम उसको अगर टॉफी पकड़ा दें या कुछ और खिलौने पकड़ा दें तो वो मान जाता है। तो इसी तरह मन को भी फिर हम कुछ ऐसे विचार देते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो और जो सोच रहे हो उसका परिणाम क्या होगा, और बाबा ने क्या कहा है आप उससे सोचो, बाबा की श्रीमत क्या कहती है। तो मन को जैसे एक दूसरे रास्ते पे जा रहा है तो उसको दूसरे अपने राइट वे पे चलाना है, तो ये हमें उसके लिए अटेंशन देना होता है। तो ये हम बार बार दिन में जरा भी मन कहीं जाने लगता है तो हम यही करते। ओम शांति दीदी। हाँ जी, सो और कोई शेयर करना चाहते हैं? नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। दीदी अश्विनी सिस्टर दिख रहे हैं, शायद वो हैं अश्विनी।
सिस्टर। यस ओम शांति, आई जस्ट सेंड द मैसेज टू ज्योति सिस्टर, आई हैव जॉइंड. जी ओम शांति. ओम शांति दीदी, आप कंटिन्यू कीजिए. लास्ट के सेशन में कुछ एक तो क्वेश्चंस थे जिसके ऊपर हम लोगों ने तय किया था कि आज डिस्कस करेंगे. एक तो मुझे याद है ज्योति सिस्टर ने पूछा था अनुजनक जीवन मुक्ति और अनुजनक के बारे में. दूसरा मुझे क्वेश्चंस याद नहीं है, अगर वो ज्वाइन हुए होंगे तो हम आज उसको ले सकते हैं. इफ एवरीबडी इज एग्री, सभी चाहते हैं. ज्योति सिस्टर भी है शायद. दीदी शायद वो था कि अष्ट रत्न और उनके जो पूरे हम वंशज हाँ, लेकिन बनते मैंने कहा था कि जा, आप किसी को वो कि हो आप गया ना। लिखे हाँ रखो, कि मुझे पूरा याद नहीं क्या क्वेश्चन था. और ज्योति सिस्टर ने लास्ट पूछा था कि उस दिन की जो साकार वाणी थी उसमें अनुजनक मतलब क्या है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो मैंने कहा था कि इसके पीछे का पूरा भाव और बाबा कहानी भी हम जानेंगे जो मुझे पता है, लेकिन समय नहीं था इसलिए मैं ले नहीं पाई. तो ऐसे कुछ दो क्वेश्चंस थे, दूसरा मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है. येस यू आर राइट, इट इज रिलेटेड टू दैट. पर अगर जिनका होगा वो याद करें करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या उन्होंने लिख के रखा होगा तो. ठीक है, तब तक हम लोग इसका ले, ये अनुजनक का. ओम शांति दीदी, 1 मिनट। वो शायद चक्र के बारे में किसी ने पूछा था, ऐसा मुझे थोड़ा याद है। तो चक्र के बारे में आपने कहा था कि मैंने एक बार इसका बहुत ही डिटेल में समझाया था करके, ऐसा मुझे थोड़ा याद है। चक्र हाँ के बारे में सिस्टर शैली जी का था, मुझे याद है. पूछा था। उन्होंने लास्ट में नहीं, उनने पूछा नहीं था. एक्चुअली शी वाज आस्किंग कि दीदी आप मतलब फिर से का आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हो. हाँ वो भी एक चीज थी. वो भी हाँ ज्वाइन हुए हैं, अगर वो ज्वाइन हुए होंगे तो हम ये क्वेश्चन भी लेंगे. लेट्स सी हाउ इट गोज. सो शैल आई प्रोसीड विद ये अनुजनक का जो है. सभी को ठीक है, मंजूर है ये, तो हम लेते हैं ये. कैरी करें। हाँ जी जी ठीक है. उस दिन का मुरली में ये बाबा ने बात की थी कि जनक अनुजनक बनते हैं. ठीक है, तो पहले हम जनक का देखते हैं कि जनक की क्योंकि बाबा जनक के बारे में बहुत बार ये मुरली में आता है, तो बाबा कई बार इस तरह का मिसाल देते हैं कि जनक का मिसाल जीवन सेकंड में जीवन मुक्ति, ये आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा. तो ये क्यों कहा गया है, तो इसके पीछे मैंने जो भी अभ्यास किया है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ. जनक राजा तो सभी को पता होंगे. ठीक है, माना जो हिस्ट्री में बताया गया या शास्त्रों में बताया गया कि सीता के जो जानकी माना सीत के जो पिता है वो राजा जनक थे. तो उनकी काफी एक हिस्ट्री ऐसी है कि थोड़ा सा हम इसके इसके पीछे को देखते हैं कि तो हम पूरा भाव समझ समझ में आएगा कि राजा जनक जो थे वो कैसे थे. तो वो एक दानी और पुण्य आत्मा थे, और वो ज्ञान को समझने की उनके अंदर बहुत आकांक्षा थी, उत्सुकता थी, जिसको मुमुक्षु कहा गया है. माना अज्ञानी भी नहीं पर ज्ञानी भी नहीं, जो बीच वाली स्टेट है. और इसका उल्लेख जो है अष्टावक्र गीता में मिलता है. जैसे अर्जुन और
जो कृष्ण का संवाद जो एक गीता शास्त्र है, वैसे एक अष्टावक्र की भी गीता है। तो अष्टावक्र भी एक होकर गए हैं जिनके जिनकी एक जो गीता है, और उन्होंने जो गीता राजा जनक को सिखाई या बताई उसका उल्लेख इसमें आता है। और वो गीता अगर आप कभी पढ़ेंगे तो इट इज़ लाइक एन बहुत डायरेक्ट चीज़ है, जहाँ पे कहीं पर भी और शास्त्रों का और किसी धर्म का किसी भी चीज़ का कोई भी उल्लेख नहीं है। इट इज़ वेरी डायरेक्ट कि आप सुनते सुनते उसको समझ पाओगे, इस तरह का वो भाष्य है। तो जो बाबा कहते हैं कि सेकंड में जीवन मुक्ति, तो उसका वो जो उल्लेख मुझे वहाँ पे मिला कि अष्टावक्र वैसे तो बहुत छोटे थे जनक राजा जनक से, माना राजा जनक एक पिता के है इसमें और अष्टावक्र एक 12-14 साल का लड़का इस तरीके के, फिर भी उन्होंने उतना उनको सम्मान दिया है। और सुन उन्होंने जब अष्टावक्र ये गीता सुना सुनते हैं तो वो सुनते सुनते उस स्वरूप में चले गए, वो उसका स्वरूप बने, ये उसका उल्लेख है। तो सुनते सुनते उसका स्वरूप बनना, इसको बाबा कहते हैं, उसको बाबा ने कहा है कि सेकंड में जीवन जीवन थे। उसके लिए राजा जनक को ऐसा उल्लेख है कि पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा या पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने उस चीज को अपने अंदर इस तरीके के साथ आत्मसात किया कि उसको सेकंड में वो उसे मुक्त हो गए, वो जीवन मुक्त हो गए। तो मुझे हमेशा लगता है कि जब बाबा कहते हैं कि सेकंड में जीवन मुक्ति, तो जब हम उस चीज को ठीक से सुने, सुनना मतलब नॉट हियरिंग जो हमने इंग्लिश में कहते हैं, हियरिंग और लिसनिंग, ये दो शब्द है इंग्लिश में, बहुत अच्छे शब्द है ये। तो हियरिंग मतलब सिर्फ सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, और लिसनिंग का मतलब होता है उसको अंदर लेना, आत्मसात का। यस राइट एग्जैक्टली लाइक मम्मा। तो मम्मा का जो यादगार है उसी के वजह से है, बुद्धि मतलब। इसको और थोड़ा सा ठीक से समझे, अभी ये विषय निकला है, तो हम जब सुनते हैं तो उसमें हमारा मन न चले, हम जब किसी का भी हम जब भी सुन रहे हैं तो अंदर हमारी जो बकबक रहती है वो ना चले, तब हम उस चीज को आत्मसात कर सकते हैं। इसका अभ्यास कीजिए, कभी भी इसका प्रयोग कीजिए। मुझे किसी ने पुरुषार्थ का बारे में पूछा था उस दिन, तो ये भी मेरा एक अभ्यास रहा हुआ है, एंड इट डेवलप्स लॉट ऑफ पेशेंस। कभी कभी होता है ना कि किसी का बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, कुछ सुनना हमें बोरिंग लगता है, जस्ट डेवलप दैट, वो पेशेंस आपके अंदर डेवलप करेगा। क्या हम सुन सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग थॉट, हमारे अंदर कोई भी चीज ना रहे, इसके लिए आपको थोड़ा अवेयरनेस में आने आना पड़ेगा। और इसलिए मम्मा बुद्धि की देवता बनी, क्योंकि मन नहीं चलाया, धारण किया बुद्धि। तो ये वही सेम, तो जनक ने वही चीज की, इसलिए वो सुनते सुनते मुक्त हो गए, और इसलिए वो याद बाबा कहते हैं कि सेकंड में जीवन मुक्ति जो बात कहते हैं बाबा जनक के बारे में। तो वो सेकंड हमारे लिए कब आएगा, वो हमारे पुरुषार्थ से है, ठीक है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि दो, इसका दो तरीके से हम अर्थ ले सकते हैं कि मतलब एक है अनु का मतलब यू आर फॉलोइंग, जो कह रहा है, जो गुरु कह रहा है वो करना, उसको फॉलो करना, इसलिए अनुग्रह ये शब्द आया हुआ है। और दूसरा एक ऐसा भी अर्थ है अनु का मतलब कि शिवत्व, शिव स्वरूप, माना बाबा के भाषा में कहे तो बाप समान। तो ये दो चीजें हैं, आप उसमें से दोनों भी ले सकते हैं समझने के लिए। तो इसलिए जनक अनुजनक बना, इसलिए बाबा का मुरली में ये भी आते हैं कि राधे अनुराधे बनी, तो वही कारण है, बाप समान। और दूसरा अनुराधा का, अनुराधा ये लक्ष्मी का भी नाम है,
तो ये अनुजनक और अनुराधा, ये जो मुरली में आता है, तो इसके पीछे का ये सारा भाव है। ठीक है, तो दीदी अनु मतलब छोटा नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगा अनु मतलब छोटा, वो नहीं वो बाबा अणु आपके। है, वो आप जो छोटा बोले वो अणु है, ये अणु है, इसका अनुग्रह, ये जो शब्द है उसके, दैट इज यू आर फॉलोइंग समवन, जो कहा उसको माना और उसी रास्ते पे चला, इसलिए वो अनुग्रह, ग्रह मीन्स ग्राह्य, ओके, ग्रह ग्रह का शब्द, ग्रह ग्रह मीन्स ग्राह्य, वो ग्रह, वो ग्रहण किया, उसको फॉलो तो किया। दूसरा अनु क्या बोला आपने, उसका स्पेलिंग मैंने जो अर्ण है शास्त्रों उसमें। में पढ़ा है वो ये है कि शिवत्व माना हम बाबा उसको बाप समान कहते हैं, ओके, बाप समान बनना, ओके, तो शिव स्वरूप को जानना, सर शिव स्वरूप को पहचानना, शिव स्वरूप में जाना, माना अपने आत्म स्वरूप को, आत्मा भी बिंदु है, बाबा भी बिंदु है, राइट, तो उस राइट राइट। यस, उस स्वरूप को जानना, अपने आत्म स्वरूप को जानना। और एक है अनुज, तो भी कहते हैं ना छोटा भाई अनुज, हाँ तो हाँ हाँ इसलिए मैंने, मुझे लगा अनुज मतलब छोटा, मीन्स अनु नहीं अनुज कहते हैं, वो अनुज अलग है, ब्रदर। अनु वो अनुज, अनुज वो शब्द अनुज है, ये जो बाबा अनुजनक, और सिर्फ अनुजनक नहीं, अनुराधा भी आता है बाबा की, राधे अनुराधे मनी, ये भी बाबा मुरली में कहते हैं। और जनक का मिसाल, और एक इसके पीछे एक कहानी है कि जनक का मिसाल ही क्योंकि कि गृहस्थी थे, गृहस्थ व्यवहार में थे, तो ये भी स्टोरी बहुत फेमस है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है कि उसमें ये स्टोरी है कि क्योंकि वो राजा थे, उनके पास सब कुछ था, राइट, तो जब उनके पास सन्यासी एक आते हैं उनकी ये जानने के लिए कि वो कैसे दोनों चीजें संभालते हैं, जो बाबा हमारे अंदर ये संस्कार जगाते हैं, कि वही कि दोनों राजा और ऋषि का, दोनोंपन का, तो सन्यासी उनको प्रश्न पूछते हैं कि आप बताएंगे, आप गाइड करेंगी कि कैसा ये संभव है, क्या है, तो राजा जन हंसते हैं, स्माइल देते हैं, कहते हैं ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, तब तक आप क्या करना, मेरा तो दरबार है लेकिन तब तक आप क्या करना, आप मेरे सेवकों के साथ जाकर पूरा महल देख करके आना। तो ठीक है, कहते हाँ ठीक है, मैं देख के आता हूँ, उसके बाद मुझे उत्तर देना, पर वो इसमें कहते हैं लेकिन देख के आना, लेकिन मैं आपके हाथ में एक दिया देता हूँ, आप सब देखना, लेकिन उस दिए आपका काम है कि वो दिया बुझे नहीं, आप सब देखना लेकिन वो दिया बुझे नहीं। तो सन्यासी भी स्वीकार करते हैं ठीक है, और वो चले जाते हैं, राजा जनक भी दरबार करके वापस आते हैं और सन्यासी भी आते हैं वापस, तो राजा जनक उनको पूछते हैं देखा आपने सब कुछ, देखा सब चीजें देखी, कैसा महल है, क्या क्या चीजें हैं, तो सन्यासी एक मिनट चुप हो जाते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि हाँ देखा तो मैंने सब देखा, सब अच्छा है, लेकिन लेकिन क्या, तो राजा जनक उनको पूछते हैं, तो बोलते हैं लेकिन मेरा सारा ध्यान जो था ना वो ये दिया बुझे ना उसके उधर था, तब राजा जनक उनको वो कहते हैं कि वही मेरा राज है जो आपने पूछा कि मैं कैसे रहता हूँ, तो अंदर की जो ज्योति है, जो अवेयरनेस है, जो होश है, जो जागृतता है, वो कहीं पूछे ना, वो हमारी हमेशा रहे कि मैं कौन, तो मैं आत्मा, तो वो जो जागृतता है वो जब रहे सब कुछ करते हुए भी, तो ये उसका एक उसके पीछे की कहानी है, राजा जनक के पीछे की, तो ये हमेशा जब भी बाबा कहे तो मुझे हमेशा याद आता है, तो आप सबको याद दिलाए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए हम।
जी सिस्टर आप जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं हम, या इसमें और किसी को कुछ कहना है? लगभग क्लियर हो गया है, तो जी आप नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दीप्ति सिस्टर ने पूछा था लास्ट टाइम। जी ओम शांति। लेकिन अब मुझे ही नहीं याद आ रहा, मैं बहुत देर से याद करने की कोशिश कर रही हूँ। वो निमित्त का कुछ बोला था आपने, निमित्त याद नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट नेक्स्ट। दीदी मुझे याद आ रहा है, सितारों की दुनिया का रहस्य हम लोग को और जानना था। खासतौर से वो जो फर्स्ट पैरा है जिसमें लिखा है कि आप हीरो और हीरोइन पाठधारी के आधार पर सारा ड्रामा नोंधा हुआ है। एंड वो एक दो सेंट वो फर्स्ट पैरा का कि सितारों की दुनिया के बारे में ही वी वांटेड टू नो मोर अबाउट इट। लाइक आपकी जन्म पत्री में उन्हों की जन्म पत्री नोंधी हुई है और आपके पार्ट पे सारा ड्रामा नोंधा हुआ है, हुआ है। इसके बारे में मुझे और हम आई थिंक बोथ ऑफ अस वांटेड टू नो अबाउट दिस मोर इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। ओके, इस पर मुझे लगता है एक सिस्टर शैली जी ने और एक पूनम सिस्टर मैंने, मुझे दोनों के नाम याद है कि उन्होंने कुछ कहा भी था, अच्छे पॉइंट्स थे वो। आते जॉइंट, तब हम आगे बढ़ते हैं। ओम शांति जी सिस्टर, उसका हमने वो बताया था, क्या कहते हैं, देवियों के बारे में था वो, जो मैंने शेयर किया था। मैं पूनम बोल रही हूँ। तो जो एक साल में साल साल में देवियों की पूजा होती है, उसके बारे में बताया था। और शैली सिस्टर जी है, ठीक है, हम इसको वापस लेते हैं थोड़ा सा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सेंटेंस था, ज्ञान सितारों के श्रेष्ठ जन्म और वर्तमान जन्म के आधार पर प्रालब्ध के जन्म अर्थात पूज्य पद के जन्म और पूज्य के आधार पर पुजारी के जन्म, ऐसे 84 जन्मों की कहानी के आधार पर अन्य धर्म आत्माओं के जन्म पत्र की पत्री का आधार है। आपकी जन्म पत्री में उन्हों की जन्म पत्री नोंदी हुई है, यही वो सेंटेंस था। आपकी जन्म पत्री में उन्हों की जन्म पत्री नोंदी हुई है जिसके ऊपर से ये सारे डिस्कशंस हुए थे। और हाँ इस दीदी, मैंने आगे वो पूछा यह था। छोटी छोटी बिरादरियां निकलती है, इसलिए यादगार रूप में हद के सितारों के आधार पर भविष्य दर्शा बताते हैं। ठीक है जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी दीदी, मैंने भी वो ही पूछा था, जन्म पत्री वाला, कि हम सबके जन्म पत्री, फिर उसके ऊपर से अष्ट रत्नों और उनके वो, हम कैसे जुड़े हैं उनसे, वो भी निकला था उसके ऊपर से पूरा। हाँ, मुझे लगता है ये तो मैंने उस दिन कहा था कि सबसे पहले तो अष्टरत्न है, राइट? और मैंने ज्ञान सितारा मना ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सूर्य का कैसा है वो राज भी बताया था, किसी ने इसके बारे में भी प्रश्न पूछा था, हाँ जी, वो हो गया था वो हो डिस्कशन गया था जी। डिस्कशन, राइट? तो इसको और क्या जानना चाहते हैं? मैं थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव पूछना चाहूंगी ताकि हम उसी डायरेक्शन में जाए और इधर उधर का ना जाए, इसलिए तो मैंने ये ये। जो जन्म पत्री पूछ रहे हैं ना, वो जन्म पत्री के लिए पूछना चाहते हैं कि और धर्मों की आत्माएं और हम भी, हमारी जन्म पत्री ज्ञान सितारों की कैसे जुड़ी हुई है, वैसे थोड़ा थोड़ा डिटेल में अगर हो सकता है तो। ठीक है, जहाँ तक जो चीज़ें मैं समझी हुआ आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू। एक 2 मिनट के लिए हम जन्म पत्री ये चीज़ थोड़ा सा बाजू रख देते हैं, ठीक है? हम बिरादरिया और जो वंशावली हम कहते हैं उसको उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलेगा? क्योंकि ये बाबा की भाषा है जी जन्म जी पत्री, जी और
जो मेन अष्ट रत्न है उनको ये पहले लागू होता है, लेकिन ऑफ कोर्स उसके बाद आने वाली बाबा की जो वंशावली है उनको भी वो लागू होता है। तो इसको थोड़ा सा हम एक अलग स्वरूप से जाकर देखते हैं ताकि आप इसको समझ पाए और फिर ये कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है ये हम समझें। हम सब पूर्वज आत्माएं हैं, इसको सभी एग्री करते हैं, इसको पक्का हो गया है या नहीं हो गया है? जी जी ओके ग्रेट। कैसे हैं हम पूर्वज? हम पुराने हैं, हम ओल्ड सोल हैं, ये तो ठीक है, लेकिन हमारी जन्म पत्री या हमारा हमारा संपूर्ण होना या हमारा हीलिंग होना अन्य सभी आत्माओं के हील होना होने जैसा है। क्या हम इसको समझते हैं? मैं आपको एक हिंट देती हूँ। हमारे हिंदू यहाँ पे भारत में स्पेसिफिकली हिंदू कल्चर में स्पेसिफिकली भारत की बात हो रही है जहाँ पे ये पितृ खिलाना बाबा कई बार ये चीज कहते हैं मुरली में भी पितृ पक्ष पितर या तो ये आप लोगों ने किया भी होगा करते भी होंगे या कई बार हमारे इसमें आता है पितृ दोष या यहाँ पे माताएं होंगी तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा ये क्या है। तो पितृ दोष जो है इसको आप समझेंगे तो आप इसको समझेंगे कि बाबा ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मुझसे मुझे इससे अलावा कोई और चीज आपको समझाने के लिए नहीं मिल रही है। यू कैन इजीली विजुअलाइज पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे से पहले उससे भी पहले ऐसी 7 पीढ़ियां अगर हम अभी एग्जाम्पल के लिए ले ले थोड़ी सी जो कर्मा उन्होंने किया है वो कर्मा फ्लो होना। और कर्मा किया है मतलब क्या? कर्मा मतलब कोई एक्शंस, कोई पाप भी पुण्य भी ओके, किसी का कर्ज भी, किसी कुछ हैबिट्स भी माना जो हम कहते हैं संस्कार वो भी। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ आए हैं और वही हम डीएनए लेकर कर आ रहे हैं। आर यू ऑल विथ मी? हम सभी ये लेकर के आ रहे हैं, क्या इसको देख सकते हैं हम? हाँ या ना? मुझे यस नो टाइप करेंगे तो जी मुझे अच्छा यस लगेगा और यू ऑल आर विथ मी ये समझ पाएंगे मैं भी। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम कैरी कर रहे हैं। एग्जाम्पल देती हूँ आप सभी को, मेडिकल साइंस कहती है कई ऐसी बीमारियां हैं जो हेरिडिटरी है, अनुवंशिक है। क्यों? मेडिकल साइंस इसका उत्तर नहीं दे पाती है, इसलिए बाबा स्वयं को रूहानी डॉक्टर कहता है, इसके पीछे का राज है। तो जो हैबिट्स हमने बनाए हैं वो हमारे सेल्स में है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ, वो हमारे डीएनए में आ गया है। स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर समझते हैं जिसके जिसके वजह से शरीर निर्मित होता है, मेडिकल टर्म है। तो इतना ये डीप है, तो हम अपने भी पूर्वज है या नहीं है हमें पता नहीं, ये हम देख सकते हैं राइट? क्योंकि हमने इस पूरे चक्र में 84 जन्म लिए हैं, वी आर द ओल्ड सोल। कोई कहेगा नहीं हम के 84 नहीं थोड़े कम होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन लिए है तो हम इतने ओल्ड सोल है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसको कैरी करते आ रहे हैं, जिसको ही इस शास्त्र के भाषा में पितृदोष कहते हैं, पितृदोष कहते हैं। अगर वो डिसीज के फॉर्म में आ सकता है या अन्य परिस्थितियों के फॉर्म में, आर्थिक हो, मेंटल इलनेस हो और कोई परिस्थितियां हो, इसमें भी हो सकता है। अब थोड़ा सा इसको देखें कि
इसमें कोई तो होगा ना बीच में ऐसी सोल जो जिम्मेवारी उठाए और इन सब चीजों को हील करे, इस इन सब चीजों को शुद्ध करे। तो वो लकी सितारे, वो उम्मीद के सितारे, वो हम हैं, वो आत्माएं, तब हमें वो पूर्वज का नशा चढ़ेगा। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज हम कैरी करते आए हैं, तो वो हमारे अंदर पहले शरीर के फॉर्म में है, कर्मों के फॉर्म में है। तो जो हमारे साथ हो रहा है उसको एक्सेप्टेंस हर चीज का हमें पहले अपने अंदर लाना पड़ेगा। और जब हम हील होंगे, हम स्वयं हील होंगे, हम अपने उन जख्मों को भरेंगे पहले अपने अंदर, तो क्या हो लगता है, वो अपने आप वो जो कर्म है वो धुलेगा। और वो जब ये पूरा डीएनए स्ट्रक्चर तक पूरा हील होगा, तो क्या लगता है वो वहां तक पहुंचेगा नहीं, तो आपने कई पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज को हील कर लिया। यू आर नॉट कैरिंग इट, आप उसको कैरी नहीं कर रहे, आगे बढ़ाओगे नहीं, उसको कैरी नहीं करोगे, अपने वहीं पे हीलिंग कर ली। तो स्वयं की हीलिंग, और स्वयं की हीलिंग के साथ साथ फिर ये सब चीजों की हीलिंग अपने आप हो जाएगी। और तब ये जो बाबा कह रहा है कि ये जो कैसे हम लिंक है, लिंक इस तरीके से है, ये काफी गहरा है। मैं इसको शब्दों तक बयान करना भी मुझे लगता है कभी कभी मुश्किल हो जाता है, और इसलिए मैंने उस दिन ये क्वेश्चन को अवॉइड किया, क्योंकि अभी अगर आप इसको विजुअलाइज कर पाएंगे कि कैसे एक पीढ़ी से पीढ़ी, एक दूसरे से तीसरी, पिछली की पिछली पीढ़ी, पिछली की पिछली पीढ़ी, ये हम आ रहे हैं इतने जन्मों से। तो जब वो एक आत्मा पान का बेड़ा उठाएगी, जो बाबा कहते हैं पान का बेड़ा उठाया, कि यस मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मैं वो उस कर्मों को शुद्ध करूंगी, मैं अपने आप को हील करूंगी। जब आप हील होंगे तो वो जो बाकी के भी जो चीजें हैं वो आगे की पीढ़ी तक कैरी नहीं होंगे, अपने आप पूर्वजों के कर्म भी हील होंगे। तो वो दुआएं, वो जो एंसेस्टर्स के, वो पूर्वज की दुआएं हमको मिलेंगी, और इस तरीके से वो जो कनेक्शन है वो शुद्ध होता जाएगा। इसलिए डिपेंडेंट जो हमारे से पीछे आए हुए हैं, वो अपने आप उनके पास शुद्ध चीज पहुंच दी जाएगी, और इसलिए वो कनेक्टेड है। और हमारी हमारी जो बाकी की सारी चीजें हैं वो उनसे कनेक्टेड है। तो आप हील होंगे तो अपने आप सारी चीजें हील होंगी, ये इस तरीके से है। तो वो इसलिए बाबा कहते हैं कि हम जुड़े हुए हैं, और वो जन्म पत्री भी उसी तरीके से जुड़ी हुई है। तो हम अपनी जन्म पत्री को सुधारेंगे तो बाकी की सब चीजें आगे आगे की जो जन्म पत्री है वो करेक्ट होगी। वो उसका एक मैंने एक एक इस तरीके का एग्जाम्पल देके आपको अभी समझा रही हूँ। आई होप ऑल ऑफ यू आर विथ मी, और आप इसको समझ पा रहे हैं। और मेडिकल इसमें इसलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि जो आजकल के डिसीजेस है वो कई आनुवंशिक है, और अगर आप जाकर के पीछे जाकर के इसको देखेंगे, मैंने कई ऐसे केसेस पढ़े हैं, अभ्यास किया है, कि लोगों को समझ नहीं पाते, और कईयों को ये बाद में समझ में आया कि ये तो मेरे दादा परदादा पर नानी के पास था, और जो हमारे पास आया हुआ है, तो दे हैव कैरीड इट, उन्होंने वो उस चीज को कैरी किया, हम भी कैरी कर रहे हैं उसको। तो वो वहां पे हील होना जरूरी है ताकि आप उसको आगे ना बढ़ाए। तो वहां तक का जो क्लैरिफिकेशन है, वहां पे तक का जो क्लींजिंग है, वो बाबा कराता है। बाबा इन सब चीजों को डिटेल में नहीं बताता है, इसलिए बाबा ने इतना ही सब सिंपल कहा
कि हम पूर्वज आत्माएं हैं और जब हम ये हम करेंगे तो आगे के हमारे बिरादरियों में आने वाली जो आत्माएं हैं वो भी उनकी जन्म कुंडली अच्छी बनेगी, क्योंकि हम बीज से जुड़े हैं, तो हम जो शुद्ध पानी लेंगे तो हमारे से आगे जाएगा, राइट? जो बाबा की भाषा में कहे तो वो अन्य पत्तों तक जाएगा और उनको मिलेगा, तो इसलिए हमारे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जिम्मेवारी है। और तब आपको वो नशा आएगा कि ये अगर इस बात को समझ पाए ठीक से। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको समझाने की। आई एम लिटरली शिवरिंग बिकॉज ये काफी डीप है और मैं कई चीजें इन सब चीजों को हम शब्दों में नहीं कह पाते हैं, क्योंकि ये मुझे नहीं पता कहाँ तक लोगों ने बताया है नहीं बताया है, पर मैंने जहाँ तक कई सालों में कई इन पिछले 2-3 सालों में ये हुआ कि मैंने इन चीज़ों का अभ्यास किया, क्योंकि मेरा आयुर्वेद का अभ्यास है ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें मुझे एक एक चीज़ इसका जो लिंक है वो मिलता चला गया, और इसलिए मैंने आप सबके सामने रखा। तो ये जो कर्म धुलना है और कर्म क्लियर करना है, इसका मीनिंग ये है। तो तब जा कर के अच्छे शरीर पाएंगे ना हम, नहीं तो कैसे पाएंगे। तो इसका यहाँ तक का अर्थ है, ठीक है? ओम शांति दीदी, ये जो बाबा ने एक्सप्लेन किया है ना, बाबा जब भी कल्प वृक्ष का एग्जाम्पल देता है, तो ये जो कल्प वृक्ष का एग्जाम्पल है ना, वो सब में फिट होता है। अभी आपने जिस तरह से समझाया ना, तो वो अभी हम कल्प वृक्ष में चाहे ऊपर बैठे हुए ले ले अपने को, चाहे जड़ों में बैठे ले ले, या तो बीच में भी ले ले, तभी भी हम जो पूर्वज आत्माएं हैं, हमसे जो भी शुद्धता और हीलिंग चालू होगी, वो हमारी जो नेटवर्क फैली हुई है ना आजू बाजू, उससे होकर पूरे वृक्ष के पत्ते पत्ते में जाएगी। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल बाबा ने दिया और आपने सही तरह से एक्सप्लेन किया। करेक्ट। और थैंक यू इसलिए बाबा। इसलिए इसको इतनी ऊपरी लेवल पे नहीं लेना कि मैंने किसी को ज्ञान सुनाया, हमने किसी को ये चीज बता दी तो वो बिराद नहीं, ये कल्प कल्प की चीजें हैं, ठीक है? हमको पता नहीं हम पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आए हुए हैं, हमको अभी ये इस 3D वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत के ये 3D वर्ल्ड में इस बुद्धि से हम इसको नहीं देख सकते, इसके लिए बहुत पैनी आंखें चाहिए जो बाबा के पास है, और बाबा ये बहुत अच्छे से जानता है ना वो, क्योंकि बाबा की भाषा में कहो तो वो ऊपर बैठा है, बीज है वो इस चीज का, और उससे ये सारी चीजें निकली हुई है। तो इसलिए इसको इस तरीके से थोड़ा सा समझे, अपने अंदर लाए, और फिर आपको समझ में आएगा कि बाबा क्यों कहते हैं, तब वो सम्मान आएगा, तब वो जिम्मेवारी आएगी कि अरे हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये कर्मा क्लींस करना है। और उसका सबसे अच्छा शुरुआत है स्वयं का हीलिंग, जिसको बाबा अपने शब्दों में कहता है स्व सेवा, स्व का पुरुषार्थ। जितना स्वयं को हील करेंगे, जितने स्वयं के इन जख्मों को, इन स्वाउंड को हील करेंगे, उतना वो पानी, वो बीज से, हम क्योंकि हम बीज से जुड़े, उतना वो क्लीन होता जाएगा और वो अपने आप उन तक पहुंचता जाएगा। ओके, इसलिए ओम स्व शांति सेवा दीदी, बहुत। जी ओम शांति दीदी। अच्छा, जैसे बोलते हैं ना, उसके माँ बाप को जो बीमार था उनके बच्चे के होने का 100% आशा है। तो आप जो बताया इसका मतलब है तो वही हुआ ना जो पहले से हुआ है, वो बीमारी तो ऐसे ही चलती, मतलब होता है मैं आपको नहीं ना, समझ पा रही हूँ। जैसे बोलते हैं ना जैसे डायबिटीज है, इसके बाप हाँ होंगे तो इसके बच्चे को भी होगा, हाँ 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 ब्लड ब्लड प्रेशर है, इसकी माँ को यस भी तो इसके यस बच्चे को भी यस होगा, तो यस इसका मतलब वही चल रहा है ना।
यस माता जी, बिल्कुल राइट। तो डायबिटीज अनुवंशिक इसलिए क्योंकि वो एक सेल जो हैबिट से या किसी भी चीज से खरा जो गलत प्रोग्राम हुई हो, गलत हो, खराब हुई है, और वही सब चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी हो रही है, राइट। माता नाना नानी से माता माता पिता के जी पास, जी माता पिता के से बच्चे के पास। तो ये एक डिसीज का एग्जाम्पल है ये, कि किस तरीके से कैरी हो रहा है। अब वो डैमेज क्यों हुई, वो खराब क्यों हुई, वो हमारे गलत आदतियों के वजह से, जी जी ओके। जी जी जैसे वो और पहले वो उसका बीज कहाँ है, हमारे संस्कार में है, हमारे संस्कार में है जी, एग्जैक्टली। इसलिए जैसे दीदी डॉक्टर पास हम जाते पहले पूछते आप माँ बाप का था, तो उसके बाद वो ट्रीटमेंट करती है। यस, आप बहुत अच्छे से लिंक कर पाए, वेरी गुड जी। ओम शांति दीदी, सबको ओम शांति। रत्ना सिस्टर आप बोलिए। हाँ शांति दीदी, ये जो आपने अनुवंशिक का बताया ना, ये बहुत अच्छा बताया, माना बहुत माइंड के थोड़े और भी खुल गए। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि आपने जो बोला ना कि जो बड़ों की हमें दुआएं मिलती है, वो थोड़ा मेरा मिसिंग हुआ दो तीन शब्द, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि कैसे हमें बड़ों की दुआएं मिलती, ताकि आपने कहा ना कि जैसे कि ये जो बीज है और ये जो जड़े फैले हुए है पूर्वज, तो ये अभी एक बीज से ही निकले। आप इसको समझे कि आपने, मान लीजिए देखो, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली वो ये नहीं कह सकता है, एक कर्म के हिसाब से हम इसको लेते हैं, ओके, उदाहरण के तौर पर कि ये कर्मा तो उनके थे, मैं क्यों इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, हम इसको नहीं कह सकते हैं, इस तरीके से नहीं कह पाएंगे, राइट। अब वो आत्माएं तो शरीर छोड़कर चली गई, उनके उस तरीके से चीजें रही ही नहीं है, बट हम उस वंशावली में हैं, हम उस पीढ़ी में हैं, तो वो हम कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें अगर कुछ चीजें पता है तो हम उस चीज को एक हीलिंग जो कहते हैं, फर्गिवनेस का एक जो प्रैक्टिस कहते हैं, माना क्षमा क्षमा दान जो कहते हैं, वो करना, जहाँ पे मन की जख्म है, ओके, वो धुलना मेडिटेशन के थ्रू। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं, अगर हमको पता है कि उनके कर्म गलत थे, लेकिन हम उसके लिए माफी मांगे। अब सबसे बड़ी, ये तो सब चीजें आजकल यूट्यूब पे है, लेकिन हमारे प्लस प्लस पॉइंट क्या है पता है, हमारे पास स्पिरिट जुड़ा हुआ है, हमको पता है कौन ईश्वर कहाँ है, कौन है, हाँ, और वो किसके थ्रू काम कर रहा है। तो दोनों अलमाइटी अथॉरिटीज जो है वो हमको पता है, और हम उनसे जुड़े हुए, क्योंकि हम चुने हुए आत्मा है, तो हमें वो और इजी जाएगा कि बाबा से, जो तेजल बहन जी ने उदाहरण दिया कि कल्प वृक्ष का, कि बाबा से जुड़ करके उस चीज को हम क्लीन करें, हम माफी मांगे, और क्या क्या जो भी उसके अलग अलग टेक्निक्स है, वो तंत्र है, वो हम यूज करें और इसको हील करें, तो अपने आप वो दुआएं उनको भी जाएंगी, वो उनका भी क्लीन होगा कर्मा, और वो दुआएं हमें मिलेगी, क्योंकि वो मुक्त होंगे ना उस कर्मा से। माना पूर्वजों से भी माफी मांगनी है, क्षमा मांगनी है, और उनके, और वो बहुत भाव से चाहिए, ठीक है, ये सभी लोग नोट करें कि ये फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए इसको, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी ना हो हमारी, ये हमारी भावना हो, आंतरिक भाव हो, इसको इसको उस उससे हम करें, तब आप बाबा के इन सभी जो, ये जो मुरली के फर्स्ट पैरा थे, इसको समझ पाएंगे, और आपके अंदर वो पूर्वज का नशा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंकुर अंकुर भाई जी। जी। थैंक यू दीदी, ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर आपने जो ये समझाया, ये थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही मतलब इट वाज रियली रियली इल्यूमिनेटिंग, मतलब अदरवाइज नेम तो जो मुरली में जो कहा था मुझे बेसिक एक कुछ अंदाजा हो रहा था, बट आपने बहुत ही अच्छे से एग्जांपल में समझाया, सो थैंक यू सो मच। आई जस्ट वांटेड टू आस्क के माय अंडरस्टैंडिंग वाज के जो
हमारे साथ हो रहा है, मतलब इट इज व्हाट माय सोल हैज इज कैरिंग फॉरवर्ड. सो जो आपने जो अभी समझाया, फॉर माय बेटर अंडरस्टैंडिंग इज दैट, मतलब क्या वो हम सोल लेवल पे तो हम अपना ही कैरी करते हैं ना, तो क्या ये जो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपने कोट अनकोट समझाया, क्या वो इज इट लाइक कि वो जेनेटिक कैरी फॉरवर्ड है, क्योंकि सोल का तो अपना ही कैरी फॉरवर्ड होता है, राइट? और एम आई अंडरस्टैंडिंग इट इनकरेक्टली? नहीं, आप जोड़ नहीं पा रहे हो उसको अभी. आप जो कह रहे हो सोल लेवल पे, फाइन, सोल लेवल पे आप कैरी कर रहे हो, ठीक है. एग्जांपल ले लो, अभी के अभी ले लो. अभी फॉर एग्जांपल, सोल लेवल, एक सोल उस सोल लेवल पे कुछ कर्मा, कुछ संस्कार अपने साथ कैरी कर रहा है, राइट. उसने जी जन्म लिया, तो सोल सोल जन्म लेता है, तो सोल के उस अपने ब्लूप्रिंट के आधार पर शरीर है, राइट. 3D इज अ मैनिफेस्टेशन, सोल का मैनिफेस्ट है. ऑफ यस द सोल. यस, इट इज लेकिन फिर भी हम मैनिफेस्टेशन. उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी भी हम औरों का कैरी कर रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली. तो उसके जो संस्कार के अनुसार आपके पूरा शरीर फॉर्म हो रहा है. तो एक जैसे माता जी ने उदाहरण दिया, डायबिटीज, राइट. तो करेक्ट. वो जो सेल है, वो तो रप्चर सेल है ना, वो डैमेज सेल शरीर में है. एंड यू आर नाउ, फॉर एग्जाम्पल, एक्स सोल इज कैरी फॉरवर्डिंग दैट टू दी नेक्स्ट, जो वो उसको आगे कर रहा है ना, जब वो उसके अपनी पीढ़ी बनाएगा. तो करेक्ट. तो वो जो कैरी फॉरवर्ड जो सोल अगले वाले को करवा रहा है, वो तो आई थिंक वो दैट इज हैपनिंग एट अ जेनेटिक लेवल, राइट? मतलब एग्जैक्टली, दैट इज हैपनिंग एट अ जेनेटिक लेवल. ओके, उसका मेल है डीएनए स्ट्रक्चर. पर उसका ओके. तो डीएनए भी बनेगा कैसे? आपके संस्कारों से, ब्लूप्रिंट ऑफ द सोल. इसलिए बाबा कहता है मैं रूहानी डॉक्टर हूँ, वहां करेक्ट. तक तो का अगर वो अगर करेक्शन. ये क्या ऐसे समझना करेक्ट होगा कि सोल का जो अपना जो एक सोल का जो कैरी फॉरवर्ड है वो तो होता ही है, बट व्हेन से जैसे मैं, जैसे आपने एग्जांपल दिया मैंने जन्म लिया, तो मेरा सोल का कैरी फॉरवर्ड और मेरी बॉडी मेरे सोल के कर्मा के हिसाब से बनी, बट आल्सो देयर इज अ जेनेटिक डायमेंशन टू इट जहां पे. एग्जैक्टली, इट इज देयर. और इसीलिए करेक्ट. ये सब चीजें कैरी फॉरवर्ड हो रही है, जो ये दुनिया नहीं जानती है, ये बाबा जानता है. और वो जेनेटिक बाबा कॉम्बिनेशन मतलब मे बी डायरेक्टली मेरे मतलब कंट्रोल में नहीं हो, बट आल्सो इट कुड बी रिलेटेड टू व्हाई आई गॉट दैट जेनेटिक बिकॉज ऑफ माय संस्कार्स. जी, थैंक यू तो सो मच. देखिए, अंकुर भाई जी का थोड़ा और डिटेल में कहने के लिए, जो प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन जो मैथ में वो आता है ना, प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो वो जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो हमारे जो आत्मा के 7 गुण थे ना, उसको हम संस्कार को म्यूटेट म्यूटेट परम्यूट कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते करते यहाँ तक पहुंचे. तो 84 जन्म में हमारे माँ बाप और आजू बाजू के लोगों के संस्कार को हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आधार से, आप सोचो कि हमारे ये संस्कार अभी हो गए हैं जो हम निकालना चाहते हैं और अपने ओरिजिनल संस्कार में स्थित रहना चाहते हैं, तो कितना वो मल्टीप्लीकेशन हो गया है उसका कॉम्बिनेशन, इट इज अमेजिंग. एग्जैक्टली. और इसलिए बाबा कहते हैं, अभी वो सिस्टर शैली जी ने जो कहा था फिर से, तो देखो हम ओरिजिनल क्या थे. हम बहुत, इसको एक मेडिटेशन के तौर पे लेना कि हम कितने प्योर आत्मा थे. उस अपनी प्यूरिटी को, स्टेज को याद करो कि हमें कुछ पता ही नहीं, क्या पाप क्या पुण्य, क्या अच्छा क्या बुरा, कुछ भी नहीं. हम सिर्फ एक कॉन्शियसनेस थे, प्योर चेतना थे, लाइट स्वरूप थे. और फिर हमने जन्म लिया, और फिर जन्म लेते लेते हमने सतयुग पार किया, हमने त्रेता पार किया, जहाँ से द्वापर से द्वैत हुआ, जहाँ से सोल कॉन्शियसनेस, आत्मा अभिमान से हम देहाभिमान की तरफ गए, और वहाँ से सब गणित बिगड़ता चला गया. और गणित बिगड़ते बिगड़ते हमने जो बीज बोए हैं कर्म के, जो कर्म के बीज बोए हैं, वो दुख के बीज बोए. इसलिए दुख का झाड़ हमने हम पार करके आए.
फिर ऐसा समय आए जहाँ पे बाबा आए, हम बाबा से मिले। ये पूरा जो चक्र है वो देखो कि हमने भक्ति की, भक्ति में हमारा मन नहीं लगा, उसके बाद हमने मूर्ति पूजा में भी की, मूर्ति पूजा की तरफ आए, बाबा कहते हैं भूत पूजा की तरफ, प्रकृति के पांच तत्वों की पूजा तक हम लोग आए। तो धीरे धीरे ये चीज समझ में आई कि इन सभी में कोई सार नहीं है, इन सभी में कोई सार नहीं है। और फिर वी मेट बाबा, जहाँ पे हमें ये ज्ञान मिला, और ये ज्ञान हमने, ये ज्ञान को उठाने तक का समय बीत चुका था, 2,500 साल तक का समय बीत चुका था। और हमने समझा कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारी ओरिजिनल स्वरूप क्या था, और क्या हम क्या है। और अब वो स्मृति बाबा ने दिलाई, वो ज्ञान उठाने के हम काबिल हुए। और फिर बाबा ने कहा, देखो फिर से तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुम कैसे थे, तुम ऐसे थे, अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, इस सब चीजों को क्लियर करो, क्लींस करो, और मेरे साथ चलो, मैं फिर से तुम्हें नव चैतन्य प्रदान करने आया हूँ, रिजुविनेट करने आया हूँ, ठीक है। तो ये चक्र ऐसे ही रिपीट होता है फिर से, और फिर हम फिर से बाबा आता है, फिर से हमें नए चैतन्य प्रदान करता है और लेके जाता है। ओम शांति। बहुत अच्छे। ठीक है, अभी बहुत टाइम हो गया ना, 10 बज गए, तो 1 मिनट साइलेंस रखकर कॉल को समाप्त करते हैं।